टीम इंडिया इस वक्त मैनचेस्टर में है, जहां उसे इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेलना है। लेकिन इस मैच पर अब कोरोना का संकट छाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय टीम का एक सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन भी कैंसिल करना पड़ा और सभी प्लेयर्स को अपने ही कमरों में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी तक उस सपोर्ट स्टाफ का नाम पता नहीं चल सका है जिसे कोरोना संक्रमण हुआ है। आपको बता दें, चौथे टेस्ट मैच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री पहले ही आइसोलेशन में हैं। उनके अलावा फील्डिंग कोच आर श्रीधर, बॉलिंग कोच भरत अरुण और फिजियो नितिन पटेल भी लंदन में आइसोलेशन में हैं और फिलहाल टीम इंडिया के साथ सिर्फ बैटिंग कोच विक्रम राठौर हैं। इसके बाद भी टीम इंडिया ने ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पर शानदार जीत हासिल की थी। टीम इंडिया इस वक्त सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर इंग्लैंड की टीम 5वें मैच में जीत हासिल भी करती है तो सीरीज उसके हाथ नहीं लगेगी और मुकाबला बराबरी पर छूटेगा। चौथे टेस्ट मैच में भारत की तरफ से रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह ने शानदार खेल दिखाया था और अगर कोरोना खेल नहीं बिगाड़ता है तो हो सकता है ये खिलाड़ी फिर से धमाल मचाएं और ये ऐतिहासिक मैच भारत के खाते में आ जाए।